जा रहे हैं क्या आप लोग? सब अपने कार वापस जा रहे हैं। अभी तो हमने टिकट ली, अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई। तो कार जाके अपनी बेटी की फिल्म देखे ना, मेरी जान छोड़े। पूरा टबर ही टकर गया मुझे। जान कैसे छोड़े? वो तो मौत का फरिश्ता छुड़ाएगा। तुम क्या मरने वाले हो? आप लोगों के साथ रहा तो यही हाल होगा। पता नहीं कितना इंतजार करना हो तुम्हें मौत के फरिश्ते का। तुम ऐसा करो, तुम खुदकुशी कर लो। ना एक काम क्यों नहीं करती, जाके सारे मशवरे अपनी बेटी को क्यों नहीं देती है? एक काम करना, घर जाके सारी बातें ये अपनी बेटी से करती रहना। अफीरा के साथ? नहीं, उस दूसरी पागल के साथ। दूसरी पागल? तो पहली पागल कौन है? और किन पागलों में फंस गया हूं मैं? करता हूं मैं तुम सबका बंदोबस्त, याद करोगे सारी जिंदगी। तुम वाकई मर रहे हो? मरने के बाद कोई याद नहीं करता। मनाल के अब्बा को भी सब भूल कर मरे मेरे दुश्मन। तेरी टीम मनाल को लोग सब भूलेंगे। तुम्हें तकलीफ है ना कि वो यहाँ से क्यों निकल गई? अफीरा ने पिंजरा खुला छोड़ दिया था, अब तुम अफीरा को मारोगे? ओए कोई इधर, अंदर आओ, अंदर आओ। हुकम सर। और लेके जाओ ने अभी ड्राइवर के साथ कार छोड़ के, चल जल्दी कर। जी सर। आइए अम्मा जी। अम्मा जी आइए। अकेले में मारा तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा। और चलो यहाँ से। बड़ी क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं अम्मा को? लेके जाने, और तू भी निकल यहाँ से, अभी निकल। किसी बातें करें आप, होश में तो है? देख अफीरा, मुझसे कोई बड़ा फैसला ना हो जाए, चुपचाप जो कह रहा हूँ वो कर, लेके निकल इस पागल खाने को यहाँ से। ये अचानक आपको हो क्या गया है? अचानक? बड़ी मासूमियत से कह रही है अचानक। तुम्हारी बहन दफ्तर में आके मुझे धमकियां दे रही है और तू यहाँ खड़ी मासूमियत से कह रही है अचानक? मनाल आपके ऑफिस आई थी? सारे शहर में ढूंढ ढूंढ के मैं उसे पागल हो गई हूँ और वो आपके ऑफिस गई है। अभी निकलो यहाँ से, वो मेरे खिलाफ बदले की प्लानिंग बना रही है और तू उसे पूरे शहर में टूटी फिर रही है। और निकलो यहाँ से। कहीं नहीं जा रही मैं। ये क्या बात हुई? मनाल के किए की सजा मुझे क्यों दे रहे? देख वीरा, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना। वरना क्या? वरना ये कि मैं तेरी बहन से ऐसा बदला दूंगा कि वो और उसका आशिक सारी जिंदगी मुझे याद रखेगा। चुपचाप यहाँ से ले और निकल, निकल यहाँ से। फान आपके। पड़ी होगी, चल चल। इरफान हार गया, हारा भाई जीतता है। जी आपको किससे मिलना है? राबिया हुमायूं, मेरे पास कार्ड है उनका। ओके आइए। अरे तुम आ जाओ, बैठो। ठीक है बेटा, आपने सुबह मुझे 8 बजे इस पर रिपोर्ट दे दी है। कैसा इत्तफाक, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कुछ बातें रह गई थी पूछने की इसलिए। अच्छा किया, मुझे भी कुछ बातें देखनी थी। देखनी थी? हाँ भाई, इंसान डायरी लिखे ना लिखे, चेहरा अपनी डायरी जरूर लिखता है। उस वक्त जल्दी में मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं था, तो वो एक होती ना अर्ज टू नो वाली कैफियत, वो हो रही थी। क्या लिखा है मेरे चेहरे पर? फिलहाल तो गुस्से की आंधी और धूल उड़ रही है। अभी मैं क्या पढ़ू, आंधी रुकेगी तो मैं पढ़ लूंगी। जिगर सिस्टर बिल्कुल ठीक कह रही है, इरफान साहब से मिलने का फायदा नहीं होना। लेकिन वो तो यही समझेगा ना कि मैं सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ, नौकरी से निकलवाने का बदला ले रहा हूँ मैं। तो उनसे जाके मिल लेगा तो वो ऐसा सोचना छोड़ देंगे, हम जानते तो हैं बॉस को। यार मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर, मिनाल को फोन कर। मुझसे मोहब्बत नहीं करता,
शायद बिल्कुल भी नहीं। तुम करती हो? मैं तो खुद को भूल चुकी हूं। तो बस फिर तुम अपना काम करती रहो और उसे अपना काम करने दो। मोहब्बत अगर सच्ची है तो जीतेगी एक दिन। मोहब्बत की हार का कानून तो खुदा ने बनाया ही नहीं यार। इस तरह तो इरफान साहब और पर्सनल हो जाएंगे मुझसे। अब क्यों डर रहा है? अब तो तेरे हिस्से की गोली खाने के लिए कोई और खड़ा है तेरे सामने, जो इरफान साहब को झाड़ना और पछाड़ना खूब जानती है। पता नहीं यार, मुझे लगता है जैसे मैं एक बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसी तरह ये रिश्ता भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जिगर, मोहब्बत जो होती है ना, वो ख्वाहिश से नहीं, किस्मत से होती है, और उसे अफोर्ड नहीं किया जाता है, और उसमें पैसे नहीं लगते। आप तो मोहब्बत के खिलाफ बोल रही थी। मोहब्बत के खिलाफ नहीं, उन इंसानों के खिलाफ जो मोहब्बत को इस्तेमाल करते हैं। सब झूठे हैं, एक तरफ अपना मफाद रखते हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत का गला सड़ा बासी फल। सच्ची मोहब्बत तो कोई करता ही नहीं है। वो मेरे बहनोई का रिश्तेदार है, मेरे बहनोई हमारा घर चलाते हैं, और शायद उसका भी FM के ओनर है। इरफान साहब, राइट? उन्होंने जैन को नौकरी से निकाल दिया, उसका शो बंद करवा दिया, सिर्फ इस वजह से कि मैं जैन से मोहब्बत करती हूँ। भाई जाहिर है, नौकर को मालिक बनता तो कोई भी नहीं देख सकता ना। मुझे बदला लेना जैन का। मोहब्बत से लो, जीत लो उसे। भूखे आदमी की रोटी के अलावा ना हर मोहब्बत झूठी होती है। ये तो मैंने कुछ सेविंग कर रखी थी, इसकी वजह से मैं घबरा नहीं रहा, डर नहीं रहा। 3-4 महीने और ऐसे गुजरे ना, सड़क पे आ जाऊंगा मैं इस मोहब्बत को लेके। इसलिए माफ कर मुझे। देख भूखे आदमी, इंसान का अपना दिल, अपनी मर्जी भी कोई चीज होती है, और अगर ये बातें तेरी समझ में नहीं आती ना, तो जो तुझे बेहतर लगता है वो कर ले। लेकिन यार, मैं अपनी आंखें बंद भी तो नहीं रख सकता ना। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इरफान साहब सोच क्या रहे हैं इस वक्त। ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये मैं नहीं सोचता जिगर। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तेरी जगह पर मैं होता तो मैं उस लड़की का हाथ पकड़ता, उसे सीधा इरफान साहब के सामने लेकर जाता और बोलता कि ये है लड़की, हम दोनों में प्यार है, हम शादी कर रहे हैं, क्योंकि आप पापा तो लगते नहीं है हमारे। मैं चलती हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, आप रहेंगी हमेशा। बस तुम खुद पे यकीन रखो। मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, जाते हुए पीए के पास अपना नंबर ड्रॉप कर देना, मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। मोहब्बत के साथ दफन करूंगी उसे मैं। अपने अब्बा के साथ वाली कब्र में दफन करना? कुत्तों के आगे डालूंगी उसकी लाश को मैं। मेरा घर बर्बाद कर रही है, अब आप देखना मैं क्या करती हूँ। घर बर्बाद हो गया तो दूसरा घर ले लो। ओ अम्मा, दवाई खाए और सो जाए प्लीज। मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। अब मजा आएगा ना, फाके पड़ेंगे इस घर के ऊपर। अब जाके उसे कहना अपने आशिक के दिए हुए पैसों से चलाए इस घर को। आशिक पैसे देगा, प्यार नहीं देगा? देखती हूँ मैं क्या क्या देता है वो इसे। मैं ही पागल हूँ, इस घर के पीछे अपने घर को बर्बाद कर रही हूँ मैं। मुझे क्या, भाड़ में जाओ सारे। इरफान को साथ ले जाना, अकेली भाड़ में मत जाना।
अम्मा खुदा के लिए चुप कर जाए आप इस वक्त। क्यों, इस वक्त बोलने से गुनाह होगा क्या? अम्मा प्लीज। अम्मी अफीरा भी गुस्से में है, आप चुप कर जाएं। चुप, अब देखना तुम भी। अब तक तो इरफान देते रहना तुम्हारी स्कूल की फीस, अब पढ़ना इतने महंगे स्कूल में तुम किसके लिए देती रही हूँ मैं इतनी कुर्बानी? आखिर कौन करता है आजकल के जमाने में वो जो इरफान करते हैं इस घर के लिए? तो सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अम्मा आपको पता है पहली दफा इरफान ने मेरे साथ इस तरह से बात की है। दूसरी दफा कब करेगा? अरे खुदाया। हमजा दरवाजा बंद कर दो, बर्बाद करने गई है, जरा देर से आएगी। चलो अंदर चलो, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। यहां तमाशा तो बनाना है मुझे, अब सबके सामने ही बात होगी। कह रही हूं ना मैं, अंदर चलो वरना कसम से घसीट के ले जाऊंगी। कहां लेकर जाओगी अफीरा? मुझे जहां पहुंचना था वहां मैं पहुंच चुकी हूं। अगर मुझे जरा सा भी डर होता ना अफीरा, तो सबके सामने मोहब्बत का इजहार नहीं करती। डर तो तुम्हारे शौहर जैसे झूठे इज्जतदारों को होता है। एक और लफ्ज बोला ना तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। आज मैं अपने घर से तुम्हारी वजह से निकाली गई हूं। अच्छा, मोहब्बत ने तो पहले ही अपना बदला लेना शुरू कर दिया। बकवास बंद करो, चलो यहां से। एक और कमजोर औरत से बदला लिया है उन्होंने। मैं तो पहले ही कहकर आई थी कि आप मर्द नहीं हो, वो तो साबित करने पर तुल गए। भूखे मरोगे सब। इरफान ने बंद कर दिए अपने सब टुकड़े। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम। इस लम्हे तक मुझे खून के रिश्तों की पहचान और एहसास है। डरो उस वक्त से कि मैं ये पहचान भूल जाऊं। एक बात सुन लो और याद रखना अफीरा, तुम और तुम्हारा शौहर दोनों कमजोर। अपने जैसे 100 भी मिला लो ना तो मोहब्बत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अब मर्जी मैंने नहीं मोहब्बत ने करना शुरू कर दिया, और मोहब्बत को अपनी मर्जी करने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कभी नहीं किया इस तरह से मेरे साथ। मेरा क्या कसूर है? कसूर किसके? अपनी बहन से पूछ। तो इसकी सजा आप मुझे और घर वालों को क्यों दे रहे? आप जानते हैं उसने क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे। वो जब मुझे कुछ सुनना ही नहीं तो क्यों सुना रही है? नहीं इरफान, इसी लम्हे तो मुझे आपकी जरूरत थी। मुझे इतना अकेला मत करे। वो अकेली तो तू तब होगी जब मैं उससे बदला लूंगा। बहन है वो मेरी, जैन आपसे बदला ले रहा है, अपना भी और अपनी बहन का, मनाल को इस्तेमाल करके। नहीं आ रहा ना आपको यकीन, आपको बाद में आ जाएगा। ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ इरफान। ओ ज्यादा ड्रामे ना कर, चल फोन बंद कर। जी आपको कितनी बार कहा है मैं वहां पे अकेला नहीं जा सकता। ठीक है, यही समझ लें आप,
बात डरपोकी की नहीं है, बात हालात की है। वो ये समझते हैं कि ये सब मैं करवा रहा हूं। मेरी बात कराओ अब्बा जी से। ये मरियम बात करना चाहे। हेलो अब्बा जी, आपको मेरे सिलसिले में यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग इतने गिर चुके हैं, हमें मजीद गिर के उनसे माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। करने दें जो वो करना चाहते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा जी, इसकी बात सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। आप आए फिर हम चलते हैं जी। खुदा हाफिज। क्या हो गया तुम्हें? क्या सारी जिंदगी यहीं पे रहने का इरादा तुम्हारा? हाँ रह लूंगी, कम से कम मैं इरफान या उन लोगों की जूतियां सीधी नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनके जूते सीधे कर रहा हूं? तो और क्या कर रहे हो? जिस तरह तुम डरते हो उसके बाद तो सिर्फ जूते ही बचते हैं पीछे। किसी से डरना हारने से ज्यादा बुरा होता है। हार तो एक बार होती है, पर डरने वाला हर लम्हा हार रहा होता है, खुद से भी और दूसरों से भी। मेरा क्या कसूर था जो मुझे निकाल दिया? बहादुरी सीखनी है ना तो उस लड़की मनाल से सीखो। जिस इरफान के पैरों में लिपटना चाह रहे हो ना, वो उसके मुंह पे जवाब मारती है। इरफान साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। नीचे? जी। आता हूं। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम कितनी बार मना किए? इरफान साहब ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ। प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज प्लीज। नहीं नहीं मना मना मनाल। कोई काम था आपको इरफान साहब? अगर आप यहाँ जैन से मिलने आए हैं तो इस वक्त हम मसरूफ हैं, बाद में आइएगा। मनाल, आपको तो अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ना इरफान साहब, तो इस वक्त अगर आपने एक और लफ्ज कहा तो मैं यहीं पर चीखना शुरू कर दूंगी। मनाल, तुम क्या कह रही हो? तुम खामोश रहो ज़ैन, ये शख्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने आपसे कहा ना, इस वक्त हम मसरूफ हैं, आपके लिए बेहतर होगा कि इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। चलो चलो मेरे साथ। बोलो क्या चाहती हो तुम मुझसे? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? बोलो, मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया तुमने,
मुझे सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, अब क्या चाहती हो कि वो मुझे मार भी दे? तुम्हें ना अपना इलाज कराना चाहिए। तुम्हारा किस्सा तुम्हें आज खत्म करके छोड़ूंगा, चलो। ज़ैन, ज़िंदगी को तमाशा बना के रख दिया तुमने यार। ज़ैन, पागल हो गए ज़ैन, छोड़ो इसे। ये हाथ तो अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की पागल हो चुकी है, मरीम इसे यहाँ से ले जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ वरना मैं। तुम अपनी आवाज आहिस्ता रखो, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। कोई नया तमाशा बनाओगे यहाँ पे? तुम दोनों को जो बात करनी हो ऊपर चल के आराम से करो। आओ मेरे साथ। तुम तुम्हें पता है अब क्या होगा? पता है इरफान साहब क्या करेंगे? ना तुम जानती हो ना मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तुम्हें क्या हो गया? क्यों तुम मेरे पीछे पड़ गई हो? क्यों बर्बाद कर रही हो हमें? ज़ैन, इस तरह बात मत करो। तो फिर कैसे बात करूं उसके साथ? इसने पता इसने क्या कहा इरफान साहब से? कोई शक नहीं छोड़ा इसने। तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ मार सकते हो, दो चार मार दो प्लीज। गौरी, लड़की पागल हो गई, ये लड़की पागल हो गई। ज़ैन प्लीज, मनाल देखो तुम ऐसा सब क्यों कर रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, ये सब कुछ तो मोहब्बत करवा रही है मुझसे। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, मैं नहीं करता किसी से मोहब्बत, ना मुझे किसी से मोहब्बत करनी है। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? माफ कर दो मुझे। हाथ तो अब धोने ही नहीं है कभी, तुमने जो छुआ है। अगर थप्पड़ मार दोगे तो मुंह भी नहीं धोऊंगी कभी। परियम, ये ज़ैन प्लीज, तुम अभी बाहर जाओ, मुझे मनाल से बात करनी है। तुम इस पागल से क्या बात करोगी? मेरी मानो, इसे जाके किसी पागलखाने में जमा कराओ। ज़ैन तुम्हें क्या हो गया? तुम सच में यही चाहते हो कि मैं पागलखाने चली जाऊं? हाँ, तो तुम जैसों को और कहां जाना चाहिए? ठीक है, मोहब्बत को इनकार का लफ्ज नहीं आता। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, कभी तो तुम भी मानोगे। मनाल मरियम, जाने दो उसको, चली गई ना, पागल है, जाने दो उसको। पागल वो नहीं, पागल तुम हो। तुम्हें पता है इरफान ने उसे यहाँ पर देखा है, वो खुदा ना खासा बाहर जाके कुछ ऐसा वैसा कर ले तो जो करना है वो करे, अजाब से जान तो छुटेगी ना। इल्जाम किस पर आएगा ज़ैन? क्या मतलब? इरफान को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुमसे बदला लेने का, उसके लिए तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं किस गुनाह की सजा भुगत रहा हूं? ये सारी बातें तुम बाद में कर लेना, फिलहाल जहां उसे भेजा है वहां जाने से रोको। मैंने भेजा उसे वहां पे? मरियम तुम भी इल्जाम दे रही हो मुझे। ज़ैन तुम बात को समझ नहीं रहे हो, वो वाकई तुमसे मोहब्बत करती है। यार कम से कम तुम तो ये बात मत करो। तुमने उसे एक बार भी नहीं देखा, तुम सब कुछ कहे जा रहे थे और वो सिर्फ तुम्हें मुस्कुराकर देख रही थी। देर नहीं करो ज़ैन, उसे जाके रोकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे यहां से चले जाना चाहिए, वो करती रही दीवारों से मोहब्बत। ज़ैन ज़ैन, किधर वो, किधर जा रही है? तुझे अंदर किसने आने दिया? कहां जा रही है? इरफान, ये मेरा घर है, मुझे कैसे निकाल सकते?
जिस तरह पूरा पागलों का टब्बर घर में लेकर आए उसी तरह बाहर भी निकाल सकता हूँ। देखिए जो दिल चाहता है मनाल का आप हशर करें, लेकिन लेकिन मुझे तो घर से ना निकाले, मैं बीवी हूँ आपकी। वो कली मनाल का हशर नहीं करूंगा, जैन को भी साथ कसीटूंगा, उसी के घर में जाके ठहरती है, दोनों की कब्र बनाऊंगा वहां। क्या मनाल जैन के पास है? ले मीसनी ना हो तो, जैसे तुझे पता नहीं है, अपनी आंखों से देखकर आया हूं। तो इरफान इससे बेहतर और क्या मौका होगा? जैन के खिलाफ अगवा का पर्चा करवाइए। मरियम जल्दी खाना लगा दो। हाँ हाँ तुम बैठो, मैं भी लगाती हूँ। जैन तू है? हाँ चलो मार्सल। हाँ लेकिन क्या आप लोग किस लिए पूछ रहे हैं? किस लिए का जवाब बेटा थाने में मिलता है। चलो मैंने किया क्या है? सीधी तरह चलो वरना। जैन ये आपने क्यों पकड़ा हुआ मेरे भाई को? छोड़ो छोड़ो मेरे भाई को। अमानत अली यस सर, चेक करो कहीं मुगविया को अंदर तो नहीं छुपाया उन्होंने। मुगविया? मरियम मरियम तुम अंदर जाओ, अब्बा जी को फोन करो, जाओ। मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहा था उसे रोक लो यहाँ पे। मरियम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ अंदर। मरियम तुम सर अंदर निकलो। अच्छा अच्छा चलो 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 मरियम लेकर कहाँ जा रहे हैं? चलो आप लोग मेरे भाई को किधर लेकर जा रहे हैं? ओ बीबी अंदर जाओ, अगर भाई की याद आए ना तो सिटी थाने आ जाना। चलो सैन डॉक्टर साहब 50 तरीकों से समझाने की कोशिश की है कि वो नहीं मान रही। नहीं अकेली है इसलिए तो कह रहा हूं मैं, पता नहीं कौन है क्या है। डॉक्टर साहब आप आ जाएं प्लीज, बस मुझसे मुसीबत नहीं समझ रहे डॉक्टर साहब जी, आप बस प्लीज जल्दी से आ जाएं। ओके मेरी बात हो गई है मैडम, डॉक्टर साहब बस आ रहे हैं। ठीक है कोई जल्दी नहीं है, अब तो यही रहना है। बता दे बेटा, अगर खुद मानेगा ना तो एक अगवा मानेगा, और अगर हमने मनवाया ना तो 4-5 मुद्दे डाल देने तेरे पे। बोल खा लो धेड़ दे इसकी, ये जानता है मेरी बहन कहाँ है। मुझे बस इतना नहीं पता वो पागल है, पागल है, वो पागल खाने में होगी। बेटा कहीं तू मुर्दा खाना ना पहुंच जाए। बोल ये जानता है मेरी बहन कहाँ है, वो आई थी इसको मिलने के लिए इसके घर पे, कहाँ है मेरी बहन? देखें आप क्यों जिद कर रही हैं, आप में कोई भी ऐसे साइन सिम्टम्स नहीं है, अगर होते तो मैं आपको जरूर दाखिल कर लेता, मगर आप में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आपके पास कोई बहाना नहीं है? मेरा ख्याल है कुछ ऐसा ही समझ लें, आपकी ये ख्वाहिश पूरी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये ख्वाहिश थोड़ा ही है, पागल खाने की ख्वाहिश तो पागल भी नहीं करते होंगे। तो फिर आप जिद क्यों कर रही हैं? मेरी बात को समझे। देखें ये मोहब्बत की मर्जी है, मोहब्बत फैसला कर चुकी है, इसलिए मैं यहाँ के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। अच्छा एक काम करें, अपने घर वालों को कॉल करके अभी यहाँ बुलवाएं, मैं उनकी मौजूदगी में आपको दाखिल कर लेता हूँ, आई प्रॉमिस यू। क्या हो गया आप लोगों को, आपको हर चीज में गवाहों की जरूरत क्यों पड़ती है? गवाहों के बगैर सच्ची बात भी झूठी लगती है आप लोगों को, है ना?
इसकी जुबान खुलवाए। ये जुबान ना खोले तो ये जुबान हमेशा के लिए बंद कर दे। चल। नहीं, इरफान साहब, प्लीज, मुझे यहाँ से निकाले बगैर नहीं जाएंगे। प्लीज इरफान साहब, मुझे यकीन करें, मुझे वाकई नहीं पता वो वाकई पागलखाने में होगी। अगर तुमने नहीं बताया कि मेरी बहन कहाँ है तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। बता तो रहा हूँ, मैं वो पागलखाने में। अब बकवास बंद कर। प्लीज एक बार आप पागलखाने में जाके चेक करें, आपको वहीं मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ इसको चंगी तरह तरह चेक करें। आए आप जरा। इरफान साहब, इरफान साहब, इरफान, इरफान मेरी बात तो सुने। आप क्यों जा रहे हैं? आप जरा सा उस पे जोर डालेंगे, वो बता देगा कि मनाल कहाँ है। और मनाल उसके पास नहीं है, वो ठीक कह रहा है। जहाँ भी होगी अब खुद ही आ जाएगी। तू चल। चल। इस फॉर्म को एक दफा पढ़कर अच्छी तरह इसको फिल कर दें, फिर हम आपको दाखिल कर लेंगे। मुझे लगा आप पुलिस को बुलाने गए। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि आप झूठ नहीं सच बोल रही हैं, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल नहीं की। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बताइए, जरूर। अकेले में। अकेले में? ओके। आज तुम जाओ जरा। आप यहां बैठे, मैं इरफान साहब को बुलाता हूं। अच्छा तो ये कहानी है तुम्हारी, तुमने उसकी बात पूरी कर दी है। अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। नहीं, मुझे यहां जैन ने भेजा है, वो ही ले जाएगा। एक तो तुम किसी की बात नहीं सुनती हो, हर बात में अपनी मर्जी करती हो। खुदा का वास्ता है ना, अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करो ना हमारे लिए। Why don't you understand? आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं होगी, मेरे लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। देखो बात किसी के आने या जाने की नहीं, बहरहाल मैं दो दिन से ज्यादा तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। मैंने तुम्हारा कहना माना है, तुम्हारी बात सुनी, अब तुम भी मेरा कहना मानो, ठीक है? अपने किसी एक जानने वाले कोई कॉन्टेक्ट नंबर हमें दे दो, बेशक अपने घर वालों का ना दो, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे। एक आंटी है, मुझे रास्ते में मिली थी, उनका नंबर याद है मुझे। ठीक है, तुम इस फॉर्म में उस आंटी का नंबर याद से लिख देना। ओके। और मुझे पता था कि तू जरूर आएगी। इरफान साहब, खुदा के लिए, खुदा के लिए आप हमसे किस बात का बदला ले रहे हैं? हम सब बेकसूर हैं। प्लीज आप मेरे भाई को पुलिस से छुड़वा दें, प्लीज। ले, मैं कैसे छुड़ा सकता हूं? और ये एक मुजरिम और कानून का मामला है, यहां आने की लोड़ नहीं है तुझे। इरफान साहब, हम लोगों का जुर्म सिर्फ एक है कि हम कमजोर और बेबस लोग हैं। मैं यहाँ पे किसी पे इल्जाम लगाने नहीं आई, सिर्फ आपसे इसलिए मदद मांगने आई हूँ कि मेरा भाई वाकई बेकसूर है। आपकी साली प्यार करती है उससे, वो नहीं करता, वो तो अपनी जान छुड़ा रहा है उससे। और वो मनाल को पड़का रहा है मेरे खिलाफ, मेरी नाक काटने पर तुला हुआ है। और मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, जूतियां के सहारा था, नौकरी पे रखा। वो तेरा अब्बा भी आज तक मुझसे कमा रहा है, कोई जुल्म किया मैंने तुम लोगों पर? इरफान साहब, मैं वादा करती हूँ आपसे, हम यहाँ से चले जाएंगे
और जैन यहाँ वापस कभी नहीं आएगा, बस आप सिर्फ उसको पुलिस से आजाद करवा दें। और ना भाई ना, अगवा का मामला है, जिनकी बच्ची गुम हुई है उनसे जाके मिल। मनाल को ढूंढ कर मैं ला दूंगी, शहर का कोना कोना ढूंढूंगी उसे। ओ तू हमारे खानदान की बहू है, इसलिए सबको सुन लिया मैंने। चल अब तू खैर से जा, अब दरवाजा खोल, मेहमानों ने जाना है। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लड़की हमें एक ना एक दिन जरूर फंसवाएगी, लेकिन तुम्हें हमदर्दी आ रही थी इसमें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मेरा क्या कसूर है। अच्छा ना मरियम, बस करो ना। ये बताओ, अब्बा जी से बात हुई? नहीं, मुझे डर था कि कहीं खुदा ना खासा ये सब सुनकर उन्हें कुछ हो ना जाए। अच्छा काम करो, मेरी मालिक मकान है आयशा आंटी, उनके पास जाओ, उन्हें कहो कि जरा पागल खाने में चेक करें, अगर तो वो लड़की मोहब्बत करती है इतनी तो वहीं पे होगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी निकलती हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं यार, बस तुम यहाँ से निकलो, यहाँ के लोगों की नजरें देखो, बस उसको यहां पे ले आओ और मेरी फिक्र मत करो, मैंने कुछ नहीं किया इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा।